दोस्तों मैं इन चाचा के जज्बे को सलाम करता हूँ। कितनी सच्ची कितनी हक बात कहे। मैं ये कहता हूँ कि जो भी हो जाए लेकिन अपने मजहब पर, अपने इस्लाम पर, अपने दीन पर, अपने ईमान पर मजबूती से कायम रहो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को हमेशा खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों सोशल मीडिया पर मेरे सामने एक वीडियो आई, वो वीडियो चचा की थी। यानी एक रिपोर्टर उन चचा के पास जाता है, चचा झाड़ते हैं, जब झाड़ते रहते हैं तब एक रिपोर्टर जाता है चचा के पास और सवालात करता है राम मंदिर के रिलेटेड। तो वो चचा उस रिपोर्टर को ऐसा मुँह तोड़ जवाब देते हैं, ऐसा मुँह तोड़ जवाब देते हैं, अल्लाह अकबर, क्या ही बताऊँ। तो सोचा क्यों ना इस वीडियो को हमारी ऑडियंस के सामने शेयर किया जाए। दोस्तों मैं आप सभी लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले इन चचा की वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। हाल चाल है आपके? क्या हाल चाल है? क्या चाहते हैं आप? क्या नाम है आपका? आप देख के नहीं पहचान पा रहे हैं? नाम तो नहीं पता चला ना मुझे। नाम सलमान है, पहली बार ही तो मिला हूं आपसे। मैं मोहम्मद शब्बीर कुरैशी उर्फ मुन्ना हूं। कैसे हो आप? शब्बीर कुरैशी उर्फ मुन्ना। आप मुस्कुरा रहे हो कि आप गुस्सा हो मुझ पे? हमारे पास टाइम नहीं है, हम कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा क्या देख रहे हैं आप? आपके ठीक लगती हुई दीवार से राम मंदिर बन रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या कहें? अपने दिल से कहेंगे। आप क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ भव्य राम मंदिर है, पूरी दुनिया इसके सामने आज नतमस्तक आज है। लेकिन मेरे घर में उस मस्जिद से चिराग जलता था। अच्छा, वो बाबरी मस्जिद से चिराग चलते था इनके घर में चचा के। लेकिन वो मंदिर तोड़ के बनाई गई थी, किया गया मुसलमान। कोर्ट ने क्या कहा है? आप क्या कहा? कोर्ट ने कोर्ट का फैसला सुना है, शहीद कर दिया गया। क्या सुना? साक्ष्य निकले अंदर से, एएसआई की रिपोर्ट बता रही है। कोर्ट ने क्या कहा आपसे? कहा था कोर्ट ने, फैसला क्या दिया? फैसला क्या? रिपोर्टर को मालूम नहीं है। मंदिर था वहाँ पे, राम मंदिर कभी मंदिर नहीं तोड़ी गई, कभी मंदिर नहीं तोड़ी गई, फैसले को नहीं तोड़ा गया था। आप तो लिखा फैसले में? हाँ फैसले में लिखा है, आप पढ़ें। हाँ नहीं ऐसा नहीं, आप पढ़ें फैसला, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ें आप। हाँ तो फिर कैसे मंदिर बन गया अगर सुप्रीम कोर्ट ने? जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसके भाई, बेशक बिल्कुल चचा की बात बिल्कुल सही है। तो कोर्ट है सबके लिए है, वो तो आपके लिए भी उतना ही, मेरे लिए भी उतना ही। छोड़ दीजिए, हम नहीं बात कर पाएंगे आपसे भैया। मैं नहीं कर पाएंगे, मैं बात नहीं। आपने इतने दिनों में मैंने मस्जिद देखा है, लेकिन पैरोकार तो आपके भी थे, क्या सही पैरोकार ही नहीं? भैया आप क्या मुझसे बात कर रहे हैं? ना बात करेगा, आप कोर्ट से समझें। जो बात आप हमसे समझना चाहते हो कोर्ट से समझे ना। कोर्ट ने तो यहाँ पे राम मंदिर की जगह दी और मस्जिद की जगह अलग दे दी। हाँ दे दिया। कह रहे एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनेगी वो, कुछ भी हो आप नहीं मानते उस मस्जिद। मैं अपने बाप को छोड़ के दूसरे को बाप नहीं कह सकता। मैं अपनी माँ को छोड़ के मैं किसी दूसरी माँ को माँ नहीं कह सकता। मैं आजीवन कहूँगा बाप को बाप, माँ को माँ कहूँगा। सोना से तौल दे दूसरी माँ या दूसरा बाप, क्या दूसरा बाप हो सकता है मेरा? आप बतावें, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भाई। इसी को आप मान के जाएं। अरे मेरा भाई राम को कौन विरोधी कहता है? राम मुकदमा लड़ रहे थे क्या? आप लड़ रहे थे, केस कौन लड़ रहा था? राम लड़ने आए थे, हम राम को क्यों बुरा कहें? राम तो वो चीज़ है, राम वाली तो आप नहीं कर रहे हैं। राम तो कर रहे हैं आप, राम का नाम ले रहे हैं लेकिन राम वाली कर रहे हैं क्या? अगर राम चाहते तो अयोध्या में कोई मुसलमान होता? आप बतावें, राम ने सबको छाती पेट लगाया है, लगाया है ना? लगाया है राम ने तो सबको, सबको लगाया ना। लेकिन आज क्या हो रहा है? राम से भी बांटा जा रहा है कास्ट में। आप क्या है भाई, इतना बहुत हो गया। अब भाईचारा तो लौट गया, अब तो सब अच्छा हो गया। अब वो जो आपस के कुंड गया, हाँ। मेरा धन लूटा गया, मेरा क्या दोस्त था बताइए? मेरे 18 आदमी मारे गए, क्या मुझको, मेरे परिवार का दोस्त था, मेरे कौम का क्या दोस्त था? कोई वहाँ लड़ने गया था? क्यों मारे गए? क्यों खून खराबा हुआ? तो आपकी पैरोकारी करने वाले इकबाल अंसारी भी आज तो राम, इकबाल अंसारी मैं उनको, वो मर्द नहीं है, मर जाना चाहिए लेकिन धर्म पे रहना चाहिए जिस धर्म से हो। कोर्ट का फैसला था उसके सामने, अब क्या कोर्ट का फैसला है? मैं कहां कोर्ट का फैसला ठुकरा रहा हूं? कोर्ट का फैसला ठुकराता तो बवाल ना हो जाता?
खून रेजिना हो जाता, जो भी हो जाए, किसी ने कोर्ट पे फैसले ठुकराया, अपने ईमान पर, अपने दीन पर कैसे हिलेगा, मजबूती से कायम रहेगा, कैसे हिलेगा, पत्ता नहीं हिलेगा। आज तो चलो जो हो गया हो गया, आप कैसे देख रहे हैं राम? अरे भाई क्या कह रहे हैं आप हमसे, आप क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ, मैंने तो तुम भव्य हमीर देख रहे हैं इतनी टाइम, मैं भी देख रहा हूँ सरकार बन, कह रहे हैं कि राम से हमें कोई वो नहीं है, राम तो हमारे भी थे, उन्होंने छाती पेट पर। अरे भैया राम ने मुझको छाती पेट लगाया ना, लेकिन आपने क्या किया? जो आज राम के लाने वाले हैं, नहीं राम नहीं लाए उनको, वो राम को लाए, वो राम को लाए हैं ना, वो मेरे साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं आप बताएंगे? आप तो बहुत घूमे हुए हैं, बहुत घूमे हैं, अब आप किसी और से बात करें, क्या व्यवहार कर रहे हैं? बस कीजिए ना, पूछिए आप क्या व्यवहार कर, मैं आपसे अर्जी करूंगा अब आप जाएं, मैं आपसे अर्जी करूंगा अब आप जाएं। आप राम मंदिर जाएंगे जब भव्य तैयार हो जाएगा 22 तारीख के? हम मुसलमान हैं, मुसलमान जा रहे, इकबाल अंसारी है, मुसलमान काफी है। मुसलमान दारू पी रहे हैं, काफी मुसलमान कर रहे हैं, क्या न्याय है? जायज है करना, जायज है दारू पीना, जायज है, लेकिन जाओ मैं खाने में तमाम बड़े बड़े दाढ़ी वाले मिलेंगे आपको। दोस्तों मैं आप सभी लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, लेकिन अपने दीन को, अपने इस्लाम को, अपने ईमान को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने इस्लाम पर साबित कदमी से चलते रहना है और अल्लाह के हुक्म को मानते हुए चलना है और नबी के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारते हुए चलना है। दोस्तों जैसा रिपोर्टर इतना सवाल किया रिपोर्टर ने कि उसका जवाब चाचा ने ऐसे दिए मुंह तोड़ जवाब, अल्लाह अकबर। और चाचा ने एक बात कही, अपने गौर किया ही होगा कि चाचा ने बोले बाबरी मस्जिद से मेरा घर का चराग चलता था, अल्लाह अकबर। कितनी अफसोस की बात है यानी, और चाचा ने बोले कि खुद कोर्ट का फैसला है कि उधर मंदिर को नहीं तोड़ा गया था, लेकिन मुसलमानों के ऊपर जुल्म करके बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और उधर राम मंदिर को बनाया गया। और चाचा ने बोले जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अल्लाह। तो दोस्तों इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों चले मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।